तो गाइस जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था, मैंने आपको हडिम्बा टेम्पल का टूर कराया था। अब फटाफट बढ़ते अपने नेक्स्ट स्टेप पर। जैसा कि गाइस 3 घंटे की सैर के बाद अब हम सबके पेट में चूहे कूद रहे थे, तो कुछ खा पी लिया जाए। तो चलिए हम चलते हैं रेस्टोरेंट में। बिल्कुल सर, बोलने की जरूरत ही नहीं है। पहाड़ों में आप पूछते नहीं, ब्लैक टी में पूछते हैं, बाकी नहीं। अच्छा। बाकी तो ऐसे ही जाएगा बिना उससे। कसम से गाइस, यहाँ के पराठे एंड चाय आर सो अमेजिंग, मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकता। आप जब भी हडिम्बा टेम्पल आए, उसके मेन गेट के सामने ही ये शॉप है, और यहाँ से आप ज़रूर पराठे और चाय टेस्ट करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी है। गाइस अब थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं, फटाफट निकलते हैं अपने नेक्स्ट जर्नी की प्लेस पे। गाइज जैसा कि आपको पता है, कहीं भी जाना होता है तो किसी न किसी कारण की वजह से लेट हो ही जाते हैं। तो बेसिकली ये मनाली की एक रोड है जहाँ पे बेहद ज़्यादा से ज़्यादा जाम लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमें वाटरफॉल पहुँचने में बहुत ज़्यादा देरी हो सकती है। तो फाइनली गाइज अब हम जा रहे हैं अपने नई लोकेशन पे। ये है अपनी सबसे अब तक की सबसे खतरनाक लोकेशन, जैसे कि वहां तक पहुंचने के लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए। गाइस जैसा कि आपने देखा, हमने बहुत वीडियो बनाई है और बहुत शूट किया है, लेकिन मेरी कोई सुन ही नहीं रहा था। तो अब कुछ अपना क्रिएटिव भी दिखाते हैं। हम अभी इधर आ चुके हैं, बहुत ही ज्यादा ठंडी और बहुत मस्त लोकेशन थी है। गाइस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बर्फ पत्थर पड़े हैं, इनसे संभलते हुए हम आ रहे हैं। किसी ने कांच वाँच भी गिराए पड़े हैं इधर, लेकिन अपने आप को बचाते हुए हम बहुत हो गई यहाँ की मस्ती। अब गाइस हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने वाटरफॉल में भी जाना है, तो उसके लिए आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं।